गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ना सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं किधर जा रही हूँ, वन डे ट्रैक इन मुंबई, मॉनसून ट्रैक करने जा रही हूँ, जो ना मस्त करजत की ट्रेन होती है। थाने से मैं जा रही हूँ, सो आई विल टेक करजत ट्रेन और नीरल उतरूंगी एंड आई विल ज्वाइन अ ग्रुप फॉर पेप फूड। बहुत ही सुंदर सा ट्रैक है जो माथेरान होते हुए जाता है, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल प्लेस। हाय गाइस, तो मैं ना नेरल स्टेशन पहुंच गई हूँ, थाने से ट्रेन लेके आ गई हूँ। आई थिंक 10-15 मिनट्स में ग्रुप ज्वाइन होगा, अभी तो पता नहीं क्योंकि मैंने ना एक ट्रेन अर्ली लिया, 6:25 का ट्रेन लिया। हमने अभी एक ब्रेक लिया है और अब मैं मिसल पाव खाऊंगी एंड देन हमारा ट्रैक शुरू हो गया। तो लेट हो गया है बट कोई बात नहीं, लेट्स ईट दिस यमी डिश एंड देन गो आगे। सो ये हमारे साथ है, हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, से हाय गाइस। गाइस, तो ब्रेकफास्ट कर लिया, अभी हम जा रहे हैं बेस पैक, बेस विलेज। लेट्स गो। गाइस, तो ट्रैक इज ऑन, अभी चालू हो गया, हम चल रहे हैं। पहले ना गणपति बप्पा का बहुत बड़ा स्टैच्यू दिखता है, सो अब उस तरफ जा रहे हैं, फिर आगे बहुत सुंदर सुंदर नजारे हो गए। लेट्स गो। जस्ट ब्यूटिफुल। और ये ट्रैक जो है ना, यहाँ से हम जा रहे हैं तो यहाँ छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिख रहे हैं और साउंड इज जस्ट वाओ, बहुत सूदिंग लग रहा है आवाज। गाइस, तो ये ना टॉय ट्रेन का ट्रैक है, टॉय ट्रेन तो बंद है बट हम मस्त वाटरफॉल और इतने व्यू को एक्सप्लोर करते हुए हम चलते जा रहे हैं। कितने क्यूट क्यूट ऐसे ट्रैक्स है ना। तो माथेरान में ना, अगर आपको पेपफोर्ट नहीं करना है तो आप ना माथेरान हिल स्टेशन भी आप एक्सप्लोर करने जा सकते हो। हम तो पेपफोर्ट के लिए जा रहे हो, वहां से ऊपर से देखेंगे माथेरान हिल्स कैसे दिखता है, नेरल कैसे दिखता है। हाय, बोलो कैसा लग रहा है? यस, और वाटरफॉल भी छोटे छोटे नजारे देखते हुए हम चले जा रहे आगे। वो नजारा बेस्ट, वो भी नजारा अच्छा है। गाइस, तो आपने जो घंटी देखी वैसे पेपफोर्ट का ट्रैक शुरू होता है बट पहले हम ना गणपति बप्पा के दर्शन करने जा रहे हैं। मुझे ना हमेशा से ये ट्रैक में सबसे फैसिनेटिंग यही लगता था, सो आई वाज लाइक मैं कब आओगे और वहाँ विजिट करोगे, एंड फाइनली लेट्स गो एंड बप्पा के दर्शन कर लेते हैं। तो अभी ना थोड़ा हम चल के आए, यहाँ पे है ना बप्पा का यहाँ पे बहुत बड़ा स्टैचू, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू पॉइंट। फिर हम वापस से पेपफोर्ड वाले रास्ते से जाएंगे और वहां से दर्शन करते हुए जाएंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया, बप्पा मोरिया, 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 जय। देखिए हमारा, हमने टॉय ट्रेन देखी, कितनी क्यूट लग रही थी। मैं 2 बार गई हूँ टॉय ट्रेन में, ऐसे नहीं है बट हमेशा मैं बैठ के गई हूँ, ये टाइम नीचे से टॉय ट्रेन देखी मैंने, तो इट वाज फन वॉचिंग इट ट्रैक करते हुए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, पहले गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे और फिर पेपफोर्ट के लिए जाएंगे। इट्स अ वेरी नैरो रोड, बहुत आराम आराम से चलना है, स्लोली, एंड हवा भी बहुत तेज है।
गाइस तो अभी हम नीचे आ गए यहाँ पे बप्पा का, एकदम नीचे से हम दर्शन कर सकते हैं। छोटी सी मूर्ति है गणपति बप्पा की। सो अभी मैं गई थी दर्शन किए एंड अब हम बप्पा के दर्शन करने के साथ पेपकोट का ट्रैक शुरू करेंगे। अभी नहीं बोलोगी वो फोकस डाइवर्ट हो जाता है ना, ये पानी, ये जंगल और वो नागपुर। नागपुर किधर है? पेपफोर्ट। किधर है ये पेपफोर्ट? ये पेपफोर्ट जो कई लोग आगे पहुंच चुके हैं। ये पानी इधर, ये पानी है। हाँ, इधर से सीधा गए कि मुंबई, मुंबई से भूर। हाँ, मुंबई से किधर? मुंबई से भूर। भूर, अरे वाह। और केले के पत्ते, और केले के पत्ते। के लिए आप दो रूट से आ सकते हो, एक माथेरान और एक लूना नेरल मार्ग, नेरल स्टेशन से, नेरल से ऊपर से आ सकते हो। सुना बीच में थोड़े चैलेंजेस आते हैं बट व्यूज आर सो खूबसूरत, वो सीढ़ी वगैरह एंड जैसे मैंने फ्रॉग की तरह बीच में रुक रुक के वॉज वॉकिंग ताकि बिकॉज मैं खड़े नहीं रह पा रही थी, वो बेंड था वैसे कुछ तो स्टीप बहुत था और वो स्पेशली द क्या बोलते हैं बीच में वो सीढ़ी आते वो एडवेंचरस थी। और अब हम आगे बढ़े, लेट्स गो। गाइस तो सारे हर्डल्स पार कर कर के इतना खूबसूरत सी फीलिंग होती है ना, हम टॉप पे पहुंच गए। यहाँ से पूरा नेरल्स नेरल दिख रहा है, माथेरान हिल्स, ओवरऑल बहुत सुंदर व्यू पॉइंट्स है। बट इट्स नॉट अबाउट द ओनली द डेस्टिनेशन, ओवरऑल जो भी हमने यू नो गणपति मंदिर, वो रेलवे ट्रैक, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, मिनी ट्रेन दिखी और ऊपर टॉप पे आए चढ़ते चढ़ते सारे हर्डल्स को पार करते, दैट वॉज समथिंग वाव। और बोला जा रहा है एक और टेम्पल है ऊपर, सो वी गो देयर एंड दर्शन करके विल हेड बैक। सो बहुत अच्छा लग रहा है, जस्ट रिलैक्सिंग योर फॉर अ वाइल। सो गाइज हम ना एकदम टॉप पे आ गए, यहाँ पे ना शिव जी के हमने दर्शन किए, बहुत ही अच्छा सा टेम्पल है, बहुत अच्छी हवा आ रही है, आई एम जस्ट इन ऑ विद दिस प्लेस। और वहाँ पे नेरल सिटी का व्यू अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे कलावंती दुर्ग का पूरा दिख रहा है, मतलब पीक्स दिख रहे हैं और प्रबल फोर्ट भी दिख रहा है, तो यहाँ पे सब पीक्स और इतना सुंदर व्यू दिख रहा है, आई एम जस्ट लव इट। और मेरे साथ हर्षद है एंड ही इज ऑल्सो ब्लॉगर और मेरे ट्रैक गाइड भी है, सो
इनके चैनल को है ना सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। आपके इनके चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? ये तो ट्रैक लीडर है, इनको रोज आते रहते हैं। सो मैंने इनके साथ ही इनका ही टूर बुक किया था ट्रैक पांडा के थ्रू, एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, इनके साथ एक और है हितेश का, उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया। ओवरऑल ट्रैक वॉज जस्ट अमेजिंग। और अभी बारिश हो रही है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है ओवरऑल? मेरा तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा था। और मैं पिछले वीक में भी आके गया हूँ, सो पिछले वीक में इतना बारिश नहीं था। अच्छा, तो इसके हिसाब से इस वीक में तो बहुत बारिश है। और बीच में आपने देखा, जिस हिसाब से हम हमें जो बारिश वाला मोमेंट मिला है, वो कैप्चर होता तो और मजा आता था, बहुत मजा आया। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट है जो कैप्चर नहीं हो पाते, बट हमारे माइंड में कैप्चर हो जाते हैं। यस, और मजा आ रहा है ओवरऑल, बहुत मजा आया। और यही है, मैं अपना व्लॉग एंड करूंगी। गाइज, इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इनको भी सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।